यार थोड़ा मतलब लिमिट होता है भाई, घर पे लोग पोलराइज हो गए, मैं अपने घर को नहीं बचा पा रहा, देश बहुत दूर की बात है भाई, पहले घर बचा लो। माँ घर पे मेरे को बोल रही है बेटा हिंदू खतरे में, मैं माँ को बोल रहा हूँ नहीं माँ लॉजिक खतरे में है, हिंदू दाल पकवान खा रहा है यहाँ पे। माँ लगी हुई बेटा हिंदू खतरे में है, मैं समझा रहा हूँ कि माँ नहीं बंगाली टाइगर खतरे में है, नहीं वो 1450 है, नहीं इंसान 1.3 बिलियन है इंडिया में, तो टाइगर खतरे में है ना। अभी 80 करोड़ लोग अपने ही देश में कैसे खतरे में हो सकते हैं, मेरी माँ बोल रही है नहीं नहीं है, मेरे पास PPT आया था, 9 पेज का PPT था भाई, 9 पेज में पूरा पढ़ा, हिंदू खतरे में, भारत का इस्लामीकरण हो रहा है, 2029 के बाद भारत का एक भी प्रधानमंत्री हिंदू नहीं होगा, हिंदुओं का तो एक ही देश है बेटा हम का जाए, मुझे रूह अफजा नहीं पसंद, सब था उसमें। मैंने पूरा पढ़ा, फिर मैंने मॉम को बोला मॉम हिंदू खतरे में है और इसके लिए मैं तो इस्लाम में कन्वर्ट करा रहा हूँ, नहीं आप अपना देख लो, ये सुबह शाम खतरे की जिंदगी मुझे तो नहीं चाहिए। वैसे भी हमारा क्या है, हम तो फकीर आदमी है झोला उठा के, मॉम को जोक समझा नहीं, उसको लगा मैं एक्चुअली जा रहा हूँ। माई मदर स्टार्ट कॉलिंग माई फादर, क्या बोल रहे हैं आपका बेटा, ये धर्म छोड़ने की बातें कर रहा है, ये चूतिया हो गया चूतिया। At that point, I was really like, Mom, भाषा, भगवान सुन रहे हैं, बाप का कोई रोल ही नहीं है यार ये सब। बाप at any point बाथरूम में शैम्पू के बॉटल में पानी भर रहे हैं। माँ लगी हुई है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ये धर्म छोड़ने की बातें कर रहा है? परसों पूजा के बेटे का मुंडन है, अगर इसने वहां पे नमाज पढ़नी चालू कर दी तो मैं गेस्ट को क्या बोलूंगी? तो अभी क्या बोलेगा अगर हमारा बेटा अभी पढ़ेगा नमाज तो अभी क्या बोलो? बोलेगा कि कॉन्टैक्ट लेंसेज ढूंढ रहा है, ये आंख बंद करके कौन कॉन्टैक्ट लेंसेज ढूंढता है? कुछ भी बोलते रहते हो। दे स्टार्टेड फाइटिंग, आई हैड टू रिमाइंड देम हिंदू खतरे में है, क्या कर रहे हो? मैं घर पे बोल रहा हूँ ऑल द हिंदू फोर्सेस रियूनाइट। वो कन्वर्सिंग का टॉपिक भाई इतना, कोई मैं देखा नहीं है किसी को धर्म छोड़ते हुए, नहीं धर्म छोड़ते हुए देखा पर कोई और धर्म पकड़ते हुए नहीं देखा, छोड़ता है तो वो निकल लेता है ठीक है। और यहाँ पे प्रोपेगेंडा भाई लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, कहाँ मैं तो एक भी जन को नहीं देखा, मतलब मेरे जिंदगी में मैंने एक जन नहीं देखा जो कन्वर्ट किया इस्लाम, एक नहीं। अरे 1.3 बिलियन पीपल इन इंडिया, हाउ मेनी मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटीज डू यू नो हू कन्वर्टेड टू इस्लाम? Like not the ones who wanted to marry her. They would have gone wherever this facility was available. But the ones who chose the faith, ek naam bhi nahi aara. Except A.R. Rahman. Par uske baad compensate karne ke chakkar mein wo kitna deshbhakti ka gaana banaya. Usko risk hi nahi lena tha. Usne bola, dosto, topi layo, keyboard bhi lao. वंदे मातरम माँ तुझे सलाम, रंग दे बसंती स्वदेश, वंदे मातरम अकूस्टिक लिफ्ट में भी ले लो। नहीं उसको रिस्क नहीं लेना यार, कोई बुड्ढा उसके कॉन्सर्ट पे पहुंच जाए, मैं बताना हूँ इसके हारमोनियम में बम है, ये फटेगा बम फिर बाहर निकल के बोलेगा खोजा मैंने खोजा। भाई देखो हमको वन साइडेड नहीं होना है, अभी रैशनल होना है, ऐसा नहीं है लास्ट 6 साल में कुछ अच्छा नहीं हुआ, हुआ है और उसको एक्नॉलेज करना सीख लो, पूरे नेगेटिव मत घूमो, अच्छी चीज़ें हुई है, हमें पता चला है अभी हमारी फैमिली में कितने चूती है, मैं रोज सुबह फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप खोलता हूँ, अपने मामा की हरकतें देखता हूँ और इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ कि इस चूतिए के पैर छुए मैंने 18 साल। मामा ऑन है भाई, मामा में देखो, मामा देखो, मामा पहले भी ऑन थे पर वो रात को ड्रो ड्रिंक लगाने के बाद ऑन थे, अब मामा सुबह 9 बजे ऑन है सोबर, सुबह सुबह लिख देते सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू की सच्चाई,
सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू पे 3,000 करोड़ इसीलिए खर्चा हुआ है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू की आंख में कैमरा है, जहां से प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का रिपोर्ट मिला। मैंने मामा को याद दिलाया कि वो स्टैचू इंडिया की तरफ देख रहा है, देख भी नहीं रहा है वहां। मामा को फर्क ही नहीं पड़ता भाई, मामा लगा हुआ है और ट्रेन पे बैठ चुके हैं वो अभी। और मेरे को लग रहा है जो भी कोई पास्ट में कुछ भी बोल के गया ना, पता नहीं क्या कॉन्टेक्स्ट था क्या था, पर वो मोदी जी के समर्थन में ही बोल के गया, समझ लो। एक बार सुबह सुबह को उठ के चाणक्य ने कहा था, जब सारा विपक्ष एक साथ हो जाए समझो राजा ईमानदार है, कहा था चाणक्य ने। मामा ने फोटो डाला है मोदी जी का, मैंने भी रिप्लाई में लिख दिया यार कि मोदी जी ने कहा था कि हर आदमी के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डालेंगे, और मैंने फोटो डाला चाणक्य का। फिर मेरा मामा मुझे ही बोल रहा है तू जाके पप्पू की चाट। देखो यहाँ पे ये कॉन्वर्सेशन आने वाला था ना, ये मैं 2 साल पहले भी बोल सकता था आपको, ठीक है, बट अभी तो भाई कहाँ चालू किया चाणक्य, कहाँ खत्म किया राहुल गांधी के गांड पे, ये इनका डिस्कोर्स। उस दिन आए थे घर, बैठे थे चाय वाय पी रहे थे, मैं पेन का ढक्कन गिरा दिया उनके पैर के, उनको लगा मैं पैर पढ़ने जा रहा हूँ। वो आशीर्वाद भी दिया, मैं क्लैरिफाई किया नहीं, मैं ढक्कन उठा रहा था। भाई अभी नहीं होने वाला है, अभी हो गया घर पे भी डेमोक्रेसी अभी। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, दोस्तियाँ टूट रही है। स्कूल का दोस्त 11 साल बाद मिला है, दूर से चिल्लाता हुआ आ रहा है, कांग्रेस ने भारत में 7 करोड़ बांग्लादेशी भरे, कभी उसके बारे में भी कुछ बोल। लेकिन तू गिना क्या? हम अपने वाले गिन नहीं पा रहे, ये बांग्लादेशी सारे गिन लिए हमने, और वो भी राउंड फिगर पे आके खत्म हो गए 7 करोड़। हमने क्या कांग्रेस ने बोले, तो भाई तू वोट आउट कर दिया ना कांग्रेस को, अब मोदी जी क्या कर रहे हैं बांग्लादेशियों के बारे में? अरे तुझे क्या पता मोदी जी क्या, हमने देख पता तो शायद उनको भी नहीं है, पर तू इतना सर हिलाया है मेरे को लगता है तू बता के ही जाएगा। मोदी जी उनका डेटा कलेक्ट कर रहे एनआरसी में डेटा। हम लोग ठीक है भाई, फिर क्या करेंगे मोदी जी? फिर मोदी जी उन्हीं से इंडियन आर्मी ज्वाइन कराएंगे, उन्हीं से बांग्लादेश इन्वेड करा के बांग्लादेश को अखंड भारत का हिस्सा बनाएंगे। हम लोग के बहुत सही प्लान है, पर तेरे को कैसा पता? He's like मेरे WhatsApp पे आया था, आए चूतियो मेरा मामा ही भेज रहा होगा। अरे मेरे को ये इंटरनेट पे डालने का इतना चुल है ना, पर मामा जा ही नहीं रहा यार, जाए तो डालू मतलब। मामा डे बाई डे फिटर होता जा रहा है यार वो, इसमें तो भाई फैमिली में तो होगा भाई इसके बाद तो, ये मैं इंटरनेट पे डाल दिया क्योंकि सब सच है और उसको पता है उसके बारे में, और वो देखेगा तो सही, बाकी सबको भी पता है उसके बारे में। दिस इज लाइक आपके मामा ने गलती से फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे पॉर्न शेयर कर दिया, दिस इज दैट ऑकवर्डनेस इनटू 10।